सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बजर एंड लैला ब्लॉग। आप सभी को हम बताने आए हैं के कल अलीशा पे जो प्रैंक हुआ की थी रायला ने, वो आज अपलोड कर रहे हैं। तो अभी आप लोग आगे देखो तो रायल मैं क्या बोलते हैं उसको मुंह पे ही नहीं आता। कैसा लगा वो प्रैंक? हाँ, क्या आप लोग बताओ हम लोग को कि वो प्रैंक आपको कैसा लगा। ऐसे प्रैंक चाहिए तो मैं और रायला के बीच में वैसा प्रैंक कर दूंगा मैं। तो गाइस देखो आगे। गाइस हम लोग हैं मम्मी के यहाँ, और जैसे के बहुत दिन हो गए हम लोग कोई मिले नहीं, अलीशा लोग और आयशा लोग। तो आज आए हैं हम लोग मम्मी के यहाँ पे। तो हम लोग अभी, अलीशा भी आने वाली है, तो हम लोग करने वाले अलीशा पे छोटा सा प्रैंक। बाप रे, मैं इधर व्लॉग बना रही हूँ, तुम लोग अपना बिजी हो, क्या है ये? फिर हो गाइस, इन लोगों को देखो, मैच। बाप रे बाप, क्या है ये तुम लोग का मैच है? तो इतना मगन हो गया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तुम आ रहे नहीं हो। प्रैंक भी तो तुम ही कर रहे हो ना, तो तुम लोग ही साथ दोगे मेरा? देंगे। तो अभी अलीशा आने वाली है, फटाफट हम लोग मोबाइल छुपाते हैं और फिर उसके साथ करते हैं एक प्रैंक। एकदम लफड़े झगड़े वाला प्रैंक कर लेंगे आज हम लोग उसके साथ, है ना? क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? मत, नहीं बन सकते मेरी तरह। मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करती, समझे? वो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या बोलते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। मारा तो अल्टू बोलता है ऑफिस से सिक्स मार। अल्तमाश। तो गाइस अभी अलीशा आती होगी, बस का फोन की थी मैंने, कहाँ पहुंची? तो बोले बस 5-10 मिनट में पहुंची। तो वो आएगी, मैं जब तक फटाफट कैमरा कहीं सेट करती हूँ और फिर उस पर करते हैं हम लोग प्रैंक। तो गाइस कैमरा हो चुका है रेडी और अभी अलीशा सीढ़ी चढ़ रही थी। हो गया स्कोर? कितना हुआ है? 212। और अब आपके IPL में सब 200 के पार ही मार रहे हैं। हां बॉस, आइए महारानी जोधा भाई। कैसे महारानी? फाइनली आपका टाइम मिल गया हम लोग से मिलने का। बिजी हूं मैं। हाय हाय, देख रहे कितना बिजी। हम भी बिजी हैं। इतना बिजी? यस। घर पे तो 2 दिन से। हां, तो घर पे काम नहीं होते? तो घर पे तो काम होता है। पानी पूछो पहले, लड़ना चालू कर। हां नहीं, इंसान पानी थोड़ी ना पूछेगा अभी। पहले आज की तारीख में तो लड़ना ही सबसे पहले जानते हैं। सही बात है ना, तो वही करेगा ना इंसान। रुको, पानी पी लो। सबर का पानी पी लो। सबर का फल होता है ना। सबर का पानी भी होता है। हां बोलो, क्या बोल रहे हो यार? अरे क्या, आज से इतना बिजी हो गए तो आपका आने का टाइम नहीं है ना, फोन कर रहे ना कुछ। वो दिख रहा है कितने, 2 दिन से फोन कर रही मैं आने के लिए, टाइम ही नहीं है उनके पास। और बल्कि अकेले घर में कादिर भी नहीं है, तो आ जाओ। मैंने वो दिन बोली थी, आ जाओ आ जाओ इधर अम्मी के पास रुकेंगे, मैं भी आ जाऊंगी अम्मी के। ऐसा बोलेगा मेरे घर पे आके रुक जाओ? अरे तो इधर आते तो इधर अच्छा ना, इधर सब लोग है तो अच्छा एंजॉय करते थे। वहाँ क्या, फिर तुम और मैं अकेले रहते थे, अकेले हो तुम। इसके लिए मैं तुम्हारा ही सोच कर बोली थी कि आ जाओ, नहीं तो मेरे को क्या है। अभी मेरी तबियत भी खराब थी तो तुम आए थे क्या देखने? तो मैं तो तुम्हारे को बोल रही थी ना कि आ जाओ इधर, डॉक्टर के यहाँ जाते, फिर अम्मी क्या रुक जाना। तो परसों भी बोली थी, बीमार आते हैं, अलीशा को कॉल की थी, बीमार आता है। अरे तो इधर डॉक्टर है ना, इधर डॉक्टर को दिखाने का, इस वजह से बोल रही थी। तो तुम यहाँ वो कोई से अम्मी के, वो कौन सा डॉक्टर है, उनके वहाँ से दवा लेते थे? अरे तो मेरे को डॉक्टर ना पता था कि इधर, इसके लिए मैं तुम्हारी डॉक्टर है। अरे तो तुमने कितने बार बोले हो ना कि मम्मी का डॉक्टर है, वो दिखाती मेरे को ना, मान लिया डॉक्टर के इधर है। टाइम नहीं था, उसके बाद भी मैं तुम्हारे को इतना कॉल कर रही थी कि आओ आओ। मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो तुम तो घर पे अकेले बैठे हुए थे, कौन सा तुम क्या कर? अभी आई ना पर मैं। तो अभी आकर क्या हुआ? तो तबियत ठीक हुई तो आ गई मैं। 3 दिन से बुला रही तब नहीं है और आ जाते मेरे मूड के हिसाब से। वाह, तो हम मूड के हिसाब से नहीं उठे चुनाव, तो हम ऐसे मूड के हिसाब से नहीं वोट करते। अभी तुम लोग झगड़े करने बुलाया हो क्या? हाँ झगड़ा करने नहीं, मेरे को थोड़ा बुरा लगा इसके लिए। मैं बता रही हूँ, फोन पे बोल दिए होते तो मैं आती नहीं अभी टाइम वेस्ट करने यहाँ पर ना। टाइम वेस्ट की बात करने का तो इसके लिए बुलाई मैंने, प्यार कर लेती कि तुम्हारे को अगर नहीं भाई मिलने का तो बोल दो, तो भाई फोन नहीं करूंगी मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर इतना हर बार फोन करो तो बहाना बनाते हैं। हाँ तो बिजी रहते तो बिजी रहती हूँ ना भाई, अभी घर में काम अकेला करना पड़ता है, कोई हेल्प करने के लिए थोड़ी है मेरे पास ना। तो कौन सा, अभी तो तुम अकेले तो फिर क्या काम है ना, खाना बनाने का है, घर में कपड़े धोने होते हैं। तो उसके कपड़े तो धोने का था ना मेरे, 4 दिन से कपड़े धो रहे। हाँ तो कपड़े धोने, कपड़े सुखाना पड़ता है, कपड़े रखना पड़ता है, दूसरे भी काम होते हैं, सिर्फ ये काम थोड़ी है मेरे को।
मैं तो इसके लिए कॉल भी नहीं कर रही थी। जाने के लिए टाइम नहीं रहता है हम लोग ना, मतलब जाकर अगर पूछे भी नहीं, बल्कि अपन ने बोले थे कि बाद में सब साथ में आएंगे, कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं है। मैंने बोली भी नहीं, घर में बाहर है, दो तीन दिन रुक जाओ, हाल तुम्हारे साथ में जाएंगे। अरे तो मेहमान आए घर पे तो कभी लोगों को बोले क्या मत आओ, तुम्हारे को बोले भी रुक जाओ, चार दिन के बाद सब साथ में आएंगे। पूरा दिन क्या मेहमान के साथ में घूम रहे थे? हाँ तो पूरा दिन वैसा ही जा रहा है, घर में खाना पीना लेकर घूम रहे हैं। तुम लोग आओगे तो ही मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी ना, तो ही ना होता है। अभी गाजर जाने को बोलेगा मैं तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, फ्री रहते तो बराबर आ जाते। जब फ्री सब रहता है तब बुलाते हैं इंसान। तुम भी कोई बिजी टाइम में बुलाते नहीं, अभी तुम भी मैं कितना तुम्हारे को फोन करती हूँ, बात करती हूँ, आ रहे या नहीं आ रहे, पूछती काम आ जाए तब तुम फोन। मेरे को ऐसा कोई काम ही नहीं रहता किसी से, सब काम कोई दोस्ती है तो इतनी अच्छी तो मैं बुलाती हूँ और बोलती हूँ। जवाब देने बैठी तुम दोस्त हो, दोस्त की जगह रहो, उसके बाद सर छोड़ रहे हो भाई, तुमको बुरा लगता है तुम्हारे को। सही बात है ना, जब दोस्ती निभाए तो फिर अच्छे से निभाओ। कहीं जाते हो तो क्या मैं बोलती हूँ क्या, मेरे को हम लोग कहीं जाते ही नहीं है, दावा गए हो सब जगह गए, हम लोग तो फैमिली के साथ गए ना। अरे तो फैमिली क्या गए तो मैं तुम्हारे को बोली क्या, मैं भी मेरी फैमिली क्या गई थी, मेरा हस्बैंड था, मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का था अकेला। देखो ना बहुत अलीशा अलीशा करते ना तुम भी, बुलाते तब आती ही नहीं है। भाई बहन में फूट मत पड़वाओ, भाई बहन में फूट पड़वाने की बात ही नहीं, फूट पड़वा रहे हैं। नारी शक्ति के विषय में नहीं बोल सकता। अच्छा है भाई तुम बोलो भी मत, वरना दुश्मनी करा देगा बात करने से। तुम अभी गाड़ी से बात करते हो, फोन करते हो गाड़ी को, तो मैं बोलती हूँ क्या क्यों फोन कर रहे हो मेरे हस्बैंड को, तो मैं तो तुम्हारे लिए फोन करती हूँ। फोन नहीं उठाते तो मैं मतलब के लिए फोन करते हो, कितनी बार अपने मतलब गाड़ी का काम, इनका गाड़ी का काम का कुछ रहता है तुम फोन करके पूछते हो, तो नॉलेज फोन कर सकते हो मेरे को, नहीं पूछ सकते हो कादिर भाई का अलाउ फोन दो इसके लिए, मैं उनको फोन करती हूँ, वो भी गाड़ी का कुछ काम रहता है मजर का, इसके लिए कॉल करती हूँ। मजर भाई का मजर भाई नेक्स्ट टाइम तुम करे ना, इनको मतलब ही नहीं, गाड़ी चेक कराने का था ना। हाँ भाई तुम कर लिया करो, अब उनका समझ रहे हैं, कोई को समझ में नहीं आ रही है, सब समझ में आ रहा है। तुम्हारे काम तुम्हारे हस्बैंड काम दिया था तो तुम फोन करते हो, तो साहिब की बात है ना, जो जैसा रहेगा उसके साथ वैसे ही रहेंगे ना, मैं भी वैसे काम के लिए पूछेंगे। मेरा भी जब मेरा मैं जब फ्री रहूंगी तो मैं आऊंगी भाई, मैं किसी सोलह बस भी चलने वाली हूँ। तो कहीं जाओ अभी, इन लोगों को फोन करके बुलाते रहो पागल की तरह, आधे एक घंटा दूर से आते हैं, हम लोग नजदीक आकर भी तो तुम लोग टाइम पर नहीं आते, ये आते ना कोई शुक्र अदा करते आ रहे करते। हाँ तो आते ना कोई शुक्र अदा करो, वैसे लोग मरते हैं वहां से मिलने के लिए, फिर से आते मिलने के लिए। नहीं भाई आप लोग तो नहीं मरते किसी से मिलने, फिर क्यों बुलाते हो फोन करके, मतलब दोस्ती है इसके लिए बुलाते, दोस्ती कम लग रही है, दुश्मनी ज्यादा लग रही है। जैसा तुम समझो, अगर तुम्हारे को दुश्मनी समझ में आती है तो दुश्मनी सही, वही लग रही थी। एक हफ्ते से तुम कौन सा मिले, एक हफ्ते पहले तो मेरे घर में मेहमान आए थे, अरे तो मेहमान आए थे कौन सा, इतने बड़े मेहमान आए थे, दुबई से थोड़ी ना आए थे भाई, सूरत से ही आए थे, मगर के खास है हफ्ता भर तक लोग निकाल रहे थे। तुम्हारी तबियत आप ही कहा नहीं था करते, इसके लिए तुम्हारे को कॉल भाई के कहा है, वो नहीं है तो आओ इधर, नहीं कल जाओ, बेचारे का ढक्कन भूल गया, उनका ढक्कन भूल गया, उनको यहाँ का पानी सूट लिया, एक्चुअली बहुत घूम रहे भी थे ना इस वजह से। नहीं तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आप, अरे मेरे को नहीं बैठना, ये कौन सी बात है क्या, मैं इनको बोल रही हूँ ऐसा महारानी वाह जबरदस्ती का, चलो जा रही तुम हो गए काम वाली, मैं नहीं समझी ऐसे पाल और रो रहे।
अरे सच्ची प्रैंक ना, मगर क्या था बोलो जल्दी। तुम्हारी जुड़वा बहन है वो, इसकी प्लानिंग दो दिन से थी कि अलीशा पे प्रैंक प्रैंक करने वाली, और कल घर के नीचे आई मैं बोला अब दोस्ती बहुत मजबूत है, नमक गले पे नमक डाल रहा है। अरे मैं दो दिन से तुम्हारे को भड़का रही थी, मैं तुम्हारे को बोली इसने कल तुम्हारे घर के नीचे भी आई, लेकिन बोली मदर अभी बोले एक और एक दिन रहने दो, बोले कल इस पे प्रैंक करूंगी, बोले जब बाहर इसलिए फोर्स कर रही थी कि आओ 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 तुम नाटक कर रही हो, इसलिए मैं भड़का रही थी तुम्हारे को। कैसा लगा आपको प्रैंक होकर बकरा बनकर, कैसा लगा? हम लोग मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं शादी सब शादी लगता है कि मैं तुम्हारे को ऐसा बोलूं। मैं वही सोची, मेरी एक तो एक ही दोस्त है यही, तो मेरी भी एक ही दोस्त है इसलिए इसके साथ ही करना। चलो गाइस, ये अलीशा के साथ हो चुका है प्रैंक, तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना, जरूर बताना। गाइस बिल्डिंग वाली क्या ये ऐसे चौल वाली बिल्डिंग का ये फायदा बहुत अच्छा रहता है, पानी पूरी आइसक्रीम भेल वाले सब आते हैं। तो ये आए हैं हमारे पानी पूरी वाले भैया जी, तो हम लोग खा रहे हैं पानी पूरी। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को प्रैंक कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी अगर आपको प्रैंक वाली और कुछ वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट करो, तो हम लोग वैसी वीडियोस बनाएंगे। और गाइज इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।